सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज एक बार फिर से हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन प्लैटिनम को। लास्ट टाइम गाइस हम यहां तक आए थे हार्ट होम सिटी में, और आज हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। पूरे शहर को घूमेंगे, देखेंगे आखिर यहां पर है कैसा, क्या है यहां पर। ओके, पाचीरिसु ऑब्वियसली क्यूट है। वैसे आई थिंक ना यहां पर एक जिम भी है, तो आज हम जिम बैटल कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम जिम बैटल आज कर ही ले। यहां पर पोकेमॉन कॉन्टेस्ट भी होते हैं, यहां पर होते हैं कॉन्टेस्ट हॉल, ये रहा। पर फिलहाल नहीं जाने वाले हम अंदर, आज हम ना जिम बैटल करेंगे। मेरा मूड बन गया है जिम बैटल करने का। वैसे में मेरे पोकेमॉन स्ट्रांग है भाई। ये कौन है? ओके चलो, यहां पर टाइम पास करने का टाइम नहीं है गाइस। यहां पर देखो हैरी पॉटर इंतजार में है, और गीबल भी। आज ना गीबल को अंदर रखते हैं, हो सकता है ये भी इवॉल्व हो जाए, पता नहीं। जल्दी जल्दी मजा आएगा भाई, मजे करेंगे मजे। ओके अंदर चलो। अभी क्या है ना, मेरे को गाइस सभी पोकेमोन को इवॉल्व करना है। ये कौन है लेकिन? ओके क्या बोला इसने? इस मशीन का हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? यहां से करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो बोला यार इसने, डोंट बी शाय। ओके चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। यहां से हमें जाना है पोकेमॉन जिम में। जिम देखते हैं यहां पर है कहां। ये क्या है भाई, बड़ी सी बिल्डिंग, कितने सारे लोग हैं। बेबीज एंड पोकेमॉन गेट अलोंग परफेक्टली टुगेदर, व्हेन बेबीज टेक नैप्स पोकेमॉन गो टू स्लीप राइट नेक्स्ट टू देम। यहां पर बड़ा घर है यार, पूरे लिफ्ट विफ्ट भी लगी हुई है। माई सिस्टर्स मेक सो मच नॉइस, नो वन इवन नोटिस मी। क्या कर क्या रहा है वो? चलो हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर दद्दू जी, हाय दद्दू। ऑल माई ग्रैंड चिल्ड्रन आर क्लैमरिंग फॉर पोकेमॉन ऑफ देयर ओन। यहाँ पर दद्दू जी कुछ दे दो यार, इतने मेहनत से इतने ऊपर तक कुछ भी नहीं देने वाले। ये कौन है? ओ नो, देयर आर नो स्टेयर्स इन दिस हाउस, इट्स ईजियर दैट वे। अच्छा, इन्होंने बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगवाई है, बेचारों के पैरों में दर्द ना हो। हाउ स्वीट मैन, हाउ स्वीट। अब नीचे जाएंगे और चलेंगे जिम में। पता नहीं कौन सा जिम लीडर आने वाला है। देखो गाइस, सच कहूँ तो यार मुझे कोई भी आइडिया नहीं है लिटरली यार। मतलब हमेशा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ भाई ये वाला जिम लीडर आने वाला है, लेकिन भाई इस बार ना मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है। तो इस वाले जिम में मैं बिल्कुल जाने वाला हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। हार्ट होम सिटी पोकेमॉन जिम, यहाँ के लीडर है फैंटीना द ऑलरिंग सोलफुल डांसर। हे देयर, हाउ इज इट गोइंग ट्रेनर? यू बीइंग हियर टेल्स मी यू आर गोइंग टू चैलेंज द जिम लीडर। वेल, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, बट दैट्स इम्पॉसिबल। यू आर क्वेश्चनिंग व्हाई, एंड द आंसर इज शी इज नॉट हियर। नॉट टू वरी दो, वी नो शी इज एट द कॉन्टेस्ट हॉल, कम बैक अनदर टाइम। अच्छा वो कॉन्टेस्ट हॉल में है, तो चलते हैं यार कॉन्टेस्ट हॉल के अंदर। जब वो यही है तो यही चलेंगे भाई। ये तो वही है ना, कीरा। ओ माई हीरो, ओ हाय हनी, ये मॉम है? वेट नो रियली, जोनास इज योर मॉम, सो यू माइट बी अ कॉन्टेस्ट स्टार। ओ आई डोंट नो अबाउट दैट, आई नेवर स्पोकन टू हनी अबाउट कॉन्टेस्ट। आई एम सरप्राइज यू टू नो ईच अदर दो। ओ यस दैट्स राइट, आई नीड टू थैंक फॉर योर अर्लियर, प्लीज टेक दिस एक्सेसरीज, ग्लिटर पाउडर। अच्छा पोकेमॉन को तैयार करवाने के लिए ये पाउडर हमें दिया है इसने। पर वो जिम लीडर कहाँ है? फैंटीना, मुझे फैंटीना को ढूंढना था। मॉम भी है यहाँ पर। आई गेट बोर्ड सो आई कम आउट ऑफ, अच्छा ये बोर हो रही थी मम्मी घर में अकेली, तो हार्ट होम सिटी में आई है पोकेमॉन कॉन्टेस्ट देखने के लिए। हमें इन्होंने टक्सीडो दिया है। वॉट इज दिस टक्सीडो? चली गई यार ये कॉन्टेस्ट देख के तो जाती। आई थिंक ये तो नहीं है जिम लीडर फैंटीना। यस बेब, आई बैग योर पार्डन, कॉन्टेस्ट यू आर हियर फॉर, आई होप वेरी मच यू इंजॉय देम। इंसिडेंटली फैंटीना द जिम लीडर ऑफ हार्ट होम इज ऑल्सो अ कॉन्टेस्टेंट, शी इज, हाउ डू यू से, फैंटास्टिक फैंटीना बींग माई सेल्फ ऑफकोर्स। अच्छा यही तो है यार फैंटीना, मुझे लगा ही था। और इसने भी पार्टिसिपेट किया है पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में, मुझे लगा था भाई ये पक्का ना यहाँ पर ऐसा कुछ होगा ही।
चलो ये चली गई वापस। वैसे हम लोग यहाँ पर अंदर जा सकते हैं शायद, यहाँ पर देखते हैं कुछ खरीद के। अच्छा ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए है, अभी नहीं फिलहाल नहीं, बाद में करेंगे। गाइस तुम लोग मुझे कमेंट्स में भाई बता देना कैसा क्या सिस्टम है यहाँ का। पहले हम चलते हैं जिम में, क्योंकि इस वाले एपिसोड में ना हमें जिम बैटल करनी है, नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे। चलो हम लोग आ गए हैं अंदर। हे देयर, हाउ इज इट गोइंग चैम टू बी? दिस जिम इज सम काइंड ऑफ विग्ड, व्हाट्स विग्ड अबाउट इट? आई टेल यू फर्स्ट इट्स पिच ब्लैक। ओ नो वरीज दो, आई हैव अ फ्लैशलाइट राइट हियर फॉर यू। ऑल्सो देयर आर द यूजुअल जिम लीडर्स, दे हैव फ्लैशलाइट्स टू। If you cast a light on one, they will catch. ओ भाई तो हमें बचकर निकलना होगा। अगर हमने किसी पर भी लाइट मारी ना, रेड डोर विद द सेम मार्क ऑन इट, एडवांस दो करेक्ट एंड डोर्स। अच्छा हमें चुनना होगा किसी डोर्स में से। वाओ देखते हैं हम कौन से में जाने वाले हैं। ओ भाई अंधेरा है यहाँ पर, चलो निकलेंगे यार, बच बच के निकलेंगे, कोई दिक्कत ना आई, कोई दिक्कत ना आई भाई, निकलेगा तुम्हारे भाई को सब पता है, आराम से निकलेगा। ओ भाई बच गए बच गए बच गए। चलो यहाँ से रास्ता तो दिख रहा है, अरे हम वापस आ गए। ये क्या था, इतने मुश्किल से निकले थे हम। ओ ओ बैटल हो गई, ओ बैटल हो गई। चलो इससे बैटल के लिए डेड आई स्केयर यू। वाओ एकदम से सामने आ गई भाई वो, मैंने सोचा नहीं था। इसके पास में एक पोकेमोन है मिस्ट्रीवियस। अच्छा इनके पास में घोस्ट टाइप पोकेमोन्स हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम घोस्ट टाइप पोकेमोन को भी हरा देंगे। आई थिंक ना आज गाइस हम गिबल को इवॉल्व कर लें, मे बी चांसेस तो हैं, अगर उसका लेवल अच्छा खासा बढ़ गया ना भाई तो वो इवॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, ड्रैगन तो रिवार्ड लगा देगा। ओके एक और अटैक की जरूरत है हमें, पेन स्प्लिट। अरे भाई ओ ये क्या हुआ यार, उसकी हेल्थ बड़ी हमारी घटी, पेन स्प्लिट। वाओ चलो यार ये तो खत्म हुआ मिस्ट्रीवियस, पॉइंट भी मिल गए, लेवल 22 का हो गया भाई। चलो ठीक है, आई थिंक लेवल 26 या 25 में इवॉल्व हो जाए। इस वाले गेट में चलते हैं, लास्ट टाइम सबसे लास्ट वाले में गए थे। चलो ये गेट तो सही था, अब यार आराम से भाई, कितने सारे रास्ते हैं, अरे बाप रे। ओ भाई अरे मैं कितने रास्ते में जाऊंगा यार, और जिम लीडर पता नहीं कहाँ पर है। इस वाले में चलते हैं मे बी। अरे हम फिर से आ गए वापस, कितना घूमना पड़ेगा। इससे तो हम बैटल कर चुके हैं तो टेंशन नहीं है, इस वाले में चलते हैं। और हम इस वाले में गए थे तो आई थिंक इस बार बीच वाले में चलने चाहिए, रुक जाओ बीच वाले में चलेंगे भाई। अरे यार एक और बैटल, कितनी बैटल होंगी यहाँ पर, पता नहीं यार कहाँ कहाँ से तो निकलना है, इतने सारे एरियाज हैं। ड्रिफ्लून, चलो इससे यार हमारी प्रैक्टिस होने वाली है, शायद आज मैं गिवल को इवॉल्व कर ही लूँ, शायद बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होने वाली है आज मेरी भाई। चलो चल ड्रैगनाइट, ड्रैगनाइट क्यों बोला मैंने, इसे गिबल, ड्रैगन रेस से खत्म होगा ये। एक और अटैक बस, ओके भाई 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 खत्म, बस मत होना गिबल, आज कुछ भी करके गिबल को इवॉल्व कर ही देंगे। चल भाई ये भी खत्म हो गया ड्रिफ्लून, ओके लेवल 26 में भाई इवॉल्व होगा। एक और ड्रिफ्लून, नहीं पोकेमोन चेंज नहीं करना, देखते हैं कोई और अच्छा सा अटैक हो भाई। नीचे साइड में टेक डाउन सैंड, ओके आई थिंक ये काम आ जाए। स्टॉक पाइल, ये क्या है स्टॉक पाइल, सैंटम, अरे घंटा फर्क ही नहीं पड़ा उसे, टेक डाउन का भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है तो इससे बेटर होगा हम लोग सिंपली यार एक दो अटैक का यूज करें। अरे भाई गिवल खत्म, व्हाट कैसे गिवल कैसे खत्म हो गया, कैसे भाई कैसे ऐसा कैसे हो गया। ओके लक्सियो या तो ब्लेज, मे बी लक्सियो का यूज करें, गिवल खत्म हो गया यार, सोचा नहीं तो भाई गिवल खत्म होगा। चार्ज लक्सियो को इवॉल्व कर देते हैं, मुझे तो लगता है ना अब लक्सियो को इवॉल्व कर देना चाहिए।
अरे स्टॉक पाइल, अरे ये है क्या स्टॉक पाइल? लेकिन समझ में नहीं आया मुझे स्टॉक पाइल है क्या चीज़। रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर ना चार्ज का यूज़, स्पार का यूज़ करने वाले हैं। कोई अच्छा सा थंडर बोल्ट मिल जाता तो मज़ा आ जाता यार, लेकिन अभी तक अटैक ही नहीं मिला। चलो भाई ये तो ख़त्म हुआ। देखा ड्रिफ्लूम, लक्सियो की भी हेल्थ गई हालांकि, पर बुरा तो ये लग रहा है भाई हमारा पोकेमोन फेंटेड हो गया गिबल। रुक जाओ उसे वापस ठीक करते हैं भाई। गिबल टेंशन ले, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम है ना भाई, तुझे वापस जिंदा करेंगे। आज कुछ भी करके उसे इवॉल्व करना ही है। ओके भाई, रिवाइव एक ही पड़ी है, सिर्फ एक रिवाइव, और ये हो गई गिबल के नाम। पोशन भी पड़े हैं, बहुत पोशन हमारे पास। ठीक है, हेल्थ भी वापस आ गई गिबल की एक और बार। चलो हेल्थ तो फुल हो गई भाई, अब यहां से देख के जाना होगा। आराम आराम से चलते हैं। ओके ये वाला रास्ता भाई, आई होप सही हो भाई, आई होप। ओ माय गॉड गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं जिम लीडर के पास में। वाओ अमेजिंग। सो गाइस हम लोग यहां पर बैटल करने वाले हैं यहां की जिम लीडर, हमारी थर्ड जिम लीडर सबरीना, क्या नाम था इसका, आई डोंट नो नाम क्या था, जो भी हो वो हो। फाइनली यू हैव बीन अराइव्ड। सिंस आई केम टू दिस कंट्री ऑलवेज आई ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। दे होल्ड कॉन्टेस्ट इन दिस सिटी, आई सो टू माई सेल्फ इवन आई विल एक्सीड, दैट इज वाई आई ड्रेस दिस वे, कॉन्टेस्ट अन परफॉर्मेंस। ऑल्सो आई स्टडी पोकेमोन वेरी मच, आई हैव कम टू बी अ जिम लीडर एंड सो इट शॉल बी दैट यू चैलेंज मी, बट आई शॉल विन, दैट इज वॉट अ जिम लीडर डज नॉन। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी बैटल हो गई है फेंटीना से, जो कि थर्ड जिम लीडर है पोकेमोन प्लेटिनम की। तीन पोकेमोन है इसके पास में। डस्कल पहला पोकेमोन है लेवल 24 का, जिसे हमारा गिबल हराएगा। भाई गाइस एक बात कहूँ ना, मुझे ना पोकेमोन प्लेटिनम, पोकेमोन डायमंड और प्लेटिनम पर्ल का म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है यार, सबसे बेटर म्यूजिक है सभी गेम्स में। अगर तुम लोग देखो तो इनका बैटल म्यूजिक अमेजिंग है। सुपर पोशन पहली बार में, अभी से सुपर पोशन। चलो ये तो खत्म होने वाला है। ड्रैगन रेज, पहले पोकेमोन को संभाल लिया गिबल ने। चलो यार ये तो हार गया, मजा आ गया। फ्यूचर साइट अटैक, अरे भाई 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 हेल्थ कैसे जा रही यार, हेल्थ कैसे चली गई। आई थिंक गाइस आज के एपिसोड में नहीं हो पाएगा यार ये इवॉल्व, मुझे नहीं लगता गिबल अब इवॉल्व होगा क्योंकि बहुत कम पॉइंट्स हैं। अरे बाप रे, हंटर ने वाट लगा दी। चल कम ऑन, एक और अटैक की भाई जरूरत थी प्लीज। पहले अगर हमारा अटैक हुआ तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं यार, उसने शेडो क्लॉ का यूज कर लिया, मुझे पोकेमोन चेंज करना था। अब यार नो चांसेस गिबल के इवॉल्व होने के, यहाँ पर हम लक्सियो का यूज करेंगे। अब इन्हें लक्सियो हरा सकता है बाइट से। ओ भाई, अरे आराम से यार, आराम से, कोई टेंशन नहीं। चलो ये भी खत्म हुआ ब्रो, कूल था। अब देखते हैं लास्ट और फाइनल पोकेमोन कौन सा है फेंटीना का। मिस मैगियस, सो मिस मैगियस को यही संभाल लेगा। लेवल 26 का मिस मैगियस। ओके बाइट से देखते हैं। शेडो वॉल, अब हम खत्म होने वाले हैं, खत्म। बाय लक्सियो, बाय, मुझे लगा ही था खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे भी पोकेमोन है हमारे पास, जैसे कि ग्लाइस्कोर, ग्लाइगर। ठीक है ब्लेज से देखते हैं भाई, ब्लेज तो कुछ करेगा। चल मार्क पंच, अरे डजंट इफेक्ट, मुझे क्यों याद नहीं आया यार, वो घोस्ट टाइप से कोई असर नहीं होगा फाइट का। चल कम ऑन, एक अटैक भी लग जाए भाई, एम्बर ही लग जा। अरे नहीं यार भाई, सुपर इफेक्टिव, ऊपर से कंफ्यूज। चल, ओ भाई कुछ नहीं हुआ उसकी, तुमने हेल्थ देखी ब्रो, हिली बस हेल्थ। चलो लगता है हम खत्म। अरे बाप रे, ब्लेज भी खत्म। अब कौन हमारी टीम में, तीन पोकेमोन बचे हैं। हैरी ऑर्डर कुछ तो करेगा,
कुछ कर लियो हैरी। ओ हैरी कुछ कर। आई थिंक ओके इस वाले अटैक से देखते हैं। क्रंच भाई मुझे पता था ये अटैक हमेशा काम आता है। ओ गाइस देखा मैंने कहा था ना क्रंच लास्ट एपिसोड में मैंने क्रंच रखा था और मैंने कहा था ये अटैक हमेशा काम आता है। सो भाई यहाँ पर अगर क्रंच नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। ओके कूल मजा आ गया। क्रंच था यार हमारे पास में कमाल है। अच्छा हुआ यार मैंने क्रंच रखा था। हमें रैलिक बैच मिल गया है पेंटीने से। ओ भाई मैंने सोचा नहीं था यार इतना ज्यादा काम आएगा वो। और TM-65 मिला कमाल था यार मजा आ गया। लेकिन कमाल 3 जिम बैजेस क्या कर रही है घूम घूम के। शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान। चलो ठीक है बाय पेंटीना। मजा आ गया गाइस लिटरली भाई लास्ट में जो क्रंच था ना उसके पास में अमेजिंग। एक नंबर लिटरली मैंने सबसे सही फैसला किया था अभी तक उस अटैक को अपने पास में रख के। यहां से देखते हैं भाई पूरे शहर को। सबसे पहले पोकेमोन को ठीक करना होगा। ओके यहां से करते हैं पोकेमोन को ठीक। ओके जल्दी से पोकेमोन हमारे ठीक हो जाएं। गाइस यार लगता है मुझे आज के लिए इतना काफी है भाई। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम लोग मुझे कमेंट्स में टिप्स बताओ फिर चलेंगे पोकेमोन कॉन्टेस्ट के लिए। मुझे कमेंट्स में बताओ पोकेमोन कॉन्टेस्ट में कैसा क्या करना है। जाओ जो कुछ बताओ मुझे बताओ। और हाँ गाइस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में लाइक करना मत भूलना कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना न्यू तो और भी अच्छी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।